पाबंदियों के एक महीने बाद कश्मीर में तनावपूर्ण शांति। जम्मू व लद्दाख में हालत बेहतर। श्रीनगर कश्मीर में पाबंदियों को लागू हुए एक महीना पूरा हो गया है और घाटी में तनावपूर्ण शांति तथा अनिश्चितता की स्थिति अभी बनी हुई है। वहीं 4 अगस्त की आधी रात को संचार माध्यमों पर लगाए गए प्रतिबंधों और अन्य पाबंदियों में जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में राहत दी गई है, जहां अपेक्षाकृत हालात बेहतर हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटा दिया था और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इसी फैसले के मद्देनजर संचार माध्यमों पर रोक लगा दी गई थी। राज्य प्रशासन कह रहा है कि उसने श्रीनगर और कश्मीर क्षेत्र के अन्य हिस्सों में दिन के वक्त लोगों की आवाजाही पर लगी लगभग सभी पाबंदियों में ढील दे दी है, लेकिन आम जनजीवन अब भी प्रभावित है और दुकानें बंद हैं और छात्र शैक्षिकी संस्थानों से दूर हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था मोनीर खान ने कहा कि 5 अगस्त के बाद से कानून एवं व्यवस्था की कोई बड़ी समस्या नहीं हुई है। उन्होंने कहा, जहां तक कानून एवं व्यवस्था का संबंध है, 5 अगस्त से हमने एक चीज सुनिश्चित की है और इसमें कामयाबी भी हासिल की है, वो यह है कि कोई भी असैन्य व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है या कानून एवं व्यवस्था की कार्रवाई नहीं हुई है। इसका श्रेय जमीन पर मौजूद सभी बलों को जाता है। उन्होंने कहा कि आदेश और निर्देश बहुत स्पष्ट थे कि हमें असैन्य लोगों को हताहत नहीं होने देना है और हम इसका पालन कर रहे हैं। खान ने कहा कि चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं और उम्मीद है कि चीजें सही होंगी और सामान्य हालात जल्द लौटेंगे। फोन सेवा बंद करने पर उन्होंने कहा कि अफवाहें हिंसा भड़काती हैं, इसलिए जब हम स्थिति का विश्लेषण करते हैं, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाते हैं कि कानून एवं व्यवस्था नियंत्रण में रहे और अब तक हम कामयाब रहे हैं। लैंडलाइन और मोबाइल सेवा को बंद करने का यह एक प्रमुख कारण था।